साहिवाल से खबर शामिल करते हैं, जहां पर लेबर वर्कर्स तहफ़ हकूक यूनियन के सदर खुरम शहजाद और साबिर आसिफ के नुमाइंदा DW मैडम सादिया मजहर से मुलाकात हुई। इस मीटिंग का इनकाद अशकनाज खोखर की वसादत से हुआ, जिसमें सैनिटरी वर्कर्स को दरपेश मसाइल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ इशूज पर बातचीत हुई। खुरम शहजाद का कहना था कि जब तक सैनिटरी वर्कर्स के मसाइल हल नहीं हो जाते और तब तक सैनिटरी वर्कर्स कसम परस्ती की जिंदगी गुजारने पर मजबूर रहेंगे। यूनियन के सदर खुरम शहजाद ने मजीद बताया कि मकामी सतह पर मुलाजमीन के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए एक टोला हर वक्त मैदान में रहता है, जिसकी वजह से मुलाजमीन मसाइल के बजाय दूसरे इश्यूज पर काम करते रहते हैं और आम मुलाजिम पर अदारे की जानिब से काम का ज्यादा बोझ डाला जाता है। इंश्योरेंस, जहेज फंड, मेडिकल अलाउंस, रोजाना की बुनियाद पर भर्ती हुई मुलाजमीन, सहूलियात की अदम फ्राहमी, कॉलोनियों के अलाटमेंट, बच्चों की तालीमी वजायफ, तरक्की और मुलाजमीन की कमी समेत दीगर मसाइल की निशानदही हुई।